दूसरा जो दूसरा पॉइंट है आज का, वो ये कहता है कि बुरे ख्याल, बुरी इमेजिनेशन अपने दिमाग से निकालो। जो ब्रह्मचर्य इंसान तोड़ता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि बुरे विचार, बुरी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपको हमेशा केवल और केवल अच्छी करनी है मेरे दोस्त। लड़कियों की बॉडी को लेकर इमेजिनेशन करना बंद करो, वो बस एक बॉडी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई। जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। बस कंट्रोल करो उस पर कि मुझे इस तरह के विचार अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। जैसे आप ऐसे विचार लेके आते हैं देन डेफिनेटली आप अपना वीर्य नाश कर देंगे। सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला स्टेप जो ब्रह्मचर्य तोड़ने का है वो यही है कि बुरे विचार। अगर आप अपने मन में बुरे विचार लाते ही नहीं हैं तो आप खुद कंट्रोल कर लेंगे इसको, डेफिनेटली कर लेंगे मेरे भाई। अच्छा सोचो, ध्यान करो भगवान का, चाहे अपने काम के बारे में ध्यान करो, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। इसलिए बुरे विचार अपने दिमाग से निकालो, एक बार आंख बंद करो एंड अपने आप से खुद को बोलो। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं मान लिया, या फिर जब आप सो रहे होते हैं, जब आप उठ रहे होते हैं, तो हमेशा अपने आप से बोलो कि मुझे बस अच्छे विचार सोचने हैं। फैक्स क्रिया की जो प्रॉब्लम है, जो ख्याल आते हैं, वो आने नॉर्मल है दोस्त, आएंगे, बट अब उस पर आपको कंट्रोल करना ही करना है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया देन आप अपना बहुत पावरफुल वीर्य को बर्बाद कर देंगे, पानी में नाली में बहा देंगे दोस्त, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट अगर आप उसको अपनी बॉडी में रखते हैं तो वो आपकी बॉडी को बनाना स्टार्ट करता है दोस्त, बहुत अच्छे से बनाता है, आपकी बॉडी को पावरफुल टाइट एंड शेप में लेके आता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं देन डेफिनेटली दोस्त इग्नोर मारो ऐसी बुरे विचारों को आज के बाद, एंड कंट्रोल करो अपने आप पे। एंड तीसरा काम, एक अच्छी हैबिट अपने लाइफ में ऐड करो।